नींद मुझे बहुत बढ़िया आई थी यार, फिर क्यों तबीयत खराब हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाना वाना भी ढंग से खाया था, अच्छी नींद भी ली थी 7-8 घंटे की। तो आसपास के लोग ना थोड़ा सा उनसे जलने लगे और मतलब उन कुछ बदला लेने के लिए उनको लग रहा था गौतम ऋषि के पास कैसे है, हमारे पास नहीं है। सो गाइस यहां पे एक भारी मुसीबत हो गई यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज्वार घाटी महाराष्ट्र। आज आपको समझ में आ रहा हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी डिम है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल रात को जब खाना खा के आया तो शायद उस समय मुझे ठंडी लग गई और सुबह सो के उठा तो बहुत मेरा सर भारी था, बट अभी थोड़ा सा बेहतर हूँ मैं। और यहाँ से प्लान ये है कि मैं जाऊँगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर पड़ता है त्र्यंबक गांव में और त्र्यंबक यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। फटाफट बाइक पे बैठते हैं, सामने इसी होटल में मैं रुक गया था कल रात को। बाइक अपनी धन्नो लोडेड है। देखो कुछ भी हो, तबीयत खराब हो कुछ भी हो, ये मिनिमम काम करना पड़ेगा रोज, मतलब सब सामान लेके बाइक पे लोड करना। ये लीजिए, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप, मैं उधर ये कर दूंगा। ऑल राइट गाइस, राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। भाई साहब ने और जो होटल के ओनर थे उन्होंने टेंपल के लिए अपना डोनेशन दिया, अपनी तरफ से सेवा दी। आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी यार वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के निर्माण में, जो कृष्ण भगवान के लिए वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेंपल बन रहा है 700 फीट का, उसके निर्माण में अपना सहयोग दें, इस पुण्य के भागीदार बने। बाकी हम ज्वार घाटी को पीछे छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की तरफ। मैं कहीं रुक के पहले थोड़ा नाश्ता करूंगा यार, चाय पीऊंगा, उसके बाद दवाई खा लूंगा, वरना अपना सिस्टम तो थोड़ा डिम हो जाएगा। नहीं तो नींद मुझे बहुत बढ़िया आई थी यार, फिर क्यों तबीयत खराब हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाना वाना भी ढंग से खाया था, अच्छी नींद भी ली थी 7-8 घंटे की। आई थिंक मुझे ठंड लग चुकी है थोड़ी सी। महाराष्ट्र में घुसने के बाद मैं अभी इग्नोर कर रहा था ठंडी को बिल्कुल। गुजरात और राजस्थान में ठंड लगी नहीं मुझे, मैंने सोचा कि महाराष्ट्र भी ऐसे ही निकल जाएगा कोस्ट के साइड से होते हुए जा रहे हैं तो, बट आई वॉज टेरिबली रॉन्ग। कल शाम को जब मैं सचिन से मिला, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे तो देखो, कल शाम को जब मैं सचिन से मिला वो मुझे अपने घर पे ले गए, वहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पी लिया था मैंने, ओके। और फिर उसके बाद चाय पी लिया तुरंत। मैं बोला था कि यार ठंडे के साथ गर्म नहीं पीते, बट अब आंटी ने लेके आई तो मैं मना नहीं किया, पी लिया मैंने। आई थिंक उसके वजह से भी हो सकता है, शरद गर्म एक साथ अगर आप खाते हो तो। बट कोई नहीं, अपन स्ट्रांग है, स्ट्रांग झेल लेंगे सब कुछ, महादेव की कृपा अपने ऊपर, हर हर महादेव। चलो भैया यहाँ शायद नाश्ता वास्ता मिल जाएगा अपने को, खाते हैं उसके बाद राइड कंटिन्यू करते हैं। पोहा है, पोहा ज़्यादा ऑयली तो नहीं बनाते, और एक चाय करना, चीनी कम अदरक तेज। भाई ये वाला जो पोहा है ना, देखो राजस्थान का तो बेस्ट था पोहा, बट ये क्लोज टू राजस्थान है, राजस्थान वाले पोहा के क्लोज है, समझ लो कि 60% राजस्थान वाला पोहा है ये। चलो नाश्ता वास्ता करके मैंने दवाई खा लिया और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी पी लिया, तो अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। आई होप ठीक हो जाए अगले आधे घंटे में प्रॉपर पूरी तरीके से। तो गाइज मैं एक चौराहे पे पहुंच चुका हूं यहां पे, और ये देखो यार ये कितना सही चौराहा बना कर रखा, आदिवासी जननायक। तो ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ट्राइबल एरिया है। सामने महाराष्ट्र रोडवेज की बस चल रही है, रेड कलर वाली जो है। त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद में अपन पहुंच चुके हैं, यहां से मंदिर 1.4 किलोमीटर, और ज़्यादा ये नहीं लग रहा है, भीड़ ज़्यादा लग नहीं रही आज यार, ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई किला विला है शायद, ये पूछता हूँ यार एक मिनट, कौन बताएगा, ये ऑटो वाले भैया बताएंगे क्या। भैया ये पहाड़ कैसा कटा हुआ है, ये कौन सा, ये सामने, ये ओरिजिनल है, ऐसी है ऐसी, ये सामने का गंगा द्वार है। हाँ, ये बाजू वाला गंगा द्वार है, ये पंचलिंगा बोलते हैं इसको। अच्छा, बाजू में ही ब्रह्मगिरी है और सामने जो पहाड़ है ना ये, हाँ, उसे दुर्गा भंडार बोलते हैं। क्या बात है, और ये सामने के जो है कौन सा, ये हाथी दरवाजा है। यार मैंने थोड़ी देर सोऊंगा जाके, अगर मैं नहीं सोया ना तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। इधर ठहरने का मिल जाएगा क्या, ठहरने का मिल जाएगा। सो गाइस बहुत ढूंढने के बाद मैं पहुंच चुका हूं एक होम स्टे, नहीं बोलेंगे यार ये एक क्या इसको बोल सकते हैं, गेस्ट हाउस जैसा है, और काफ़ी बजट में 500 रुपये में मुझे ये वाला कमरा मिला है। मैंने 2 दिन के लिए बुक करा लिया है, भैया से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर घूमने का, मंदिर के अलावा घूमने का बहुत सारा है, तो आज और कल मैं रुकूँगा, फिर परसों मैं मुंबई के लिए निकलूँगा।
हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं अभी हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। होटल पहुँच के मैं सो गया था, दो ढाई घंटे मैंने नींद ली, उसके बाद अपनी तबीयत बिल्कुल बढ़िया हो गई। सामने आप देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो इस मंदिर की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो प्राचीन काल में यहाँ पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर रहा करते थे, और कुछ ऐसा कारण हुआ कि आसपास के एरिया में, अच्छा आसपास के एरिया को बोलते थे ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ब्रह्मगिरी हिल्स में हर तरफ भूखमरी हो गई थी, लेकिन जो गौतम ऋषि का आश्रम था वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ भरपूर खाना पानी सब कुछ था वहाँ पे एकदम। तो आसपास के लोग ना थोड़ा सा उनसे जलने लगे, और मतलब उन कुछ बदला लेने के लिए उनको लग रहा था गौतम ऋषि के पास कैसे है, हमारे पास नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक गाय को अंदर भेज दिया, उनके आश्रम में भेज दिया गौतम ऋषि के, जाओ तुम जितना भी अनाज वनाज रखा है सब कुछ खा लो, सब कुछ चर जाओ और हमारे जैसे हो जाए गौतम ऋषि भी। तो हुआ क्या कि जब गाय अंदर गई तो गौतम ऋषि उसे डराने के लिए आए उसके पास, तो पता नहीं कुछ कारण हुआ होगा गाय की वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब गौतम ऋषि के ऊपर लग गया गौ हत्या का कलंक। अब इस कलंक से कैसे बचे, तो इन्होंने महादेव की पूजा की, तो महादेव उसके बाद प्रसन्न हुए गौतम ऋषि से, और यहाँ पर गौतम ऋषि ने उनसे बोला कि मेरे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है, तो आप यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह कराइए ताकि शुद्ध हो जाए। हम बोलते हैं ना गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। उस समय गौतम ऋषि ने महादेव से प्रार्थना की, तब महादेव ने यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह कराया। पीछे वो पत्थर है जहाँ से कि गंगा नदी, आपने आज के वीडियो में देखा वो बहुत सारे पत्थर हमें दिख रहे थे, तो उन्हीं में से दो पत्थरों के बीच में से गंगा नदी का प्रवाह हुआ था। यहाँ गंगा नदी का प्रवाह हुआ तो गौतम ऋषि के आश्रम की शुद्धि हो गई, गौतम ऋषि पाप मुक्त हो गए। तब वहाँ पे फिर उन्होंने महादेव को बोला कि आप इस जगह को अपने रहने का ठिकाना बनाइए। तब महादेव यहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, और जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे तीन मुख वाला है, एक साइड पे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब मैंने बताया था कि शिव जी यहाँ पे त्रिदेव के रूप में प्रकट हुए थे, और हॉलो शिवलिंग है पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी सामने ऐसे ही बनाया हुआ है, ये भी एक दो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए त्र्यंबकेश्वर नाम पड़ा इनका। गाइस मंदिर गेट के जस्ट सामने यहाँ पर एक ये ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ पर कि आप लाइव दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल, जो कि गर्भगृह में हो रहा है, यहाँ शानदार लग रहा है देखो। सो गाइस यहाँ पे एक भारी मुसीबत हो गई यार, मैंने जहाँ पे होटल लिया था उसका लोकेशन मैंने खुद को सेंड नहीं किया, किसी को सेंड नहीं किया, और मैं टेम्पल का मैप लगा के आ गया था। फिलहाल मुझे रास्ता मिल नहीं रहा, बहुत सारी गलियाँ हैं इधर और बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर है वो वाला एरिया। फिलहाल एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो मैंने डाली थी अपने रूम के सामने से, और उसी के हिसाब से हम अब ढूंढ रहे हैं। भैया थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं मेरा। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, ये फोटो बस, और ये फोटो देख के वो भैया लोगों ने बता दिया मुझे, उधर भाग रहे बोलते कैमरे मत लेना मेरे को, तो इन्होंने बता दिया कि कौन सा लोकेशन है। बताओ यार एक बस ये फोटो देख के तो वो लोकेशन मुझे बता दिया है, ये कोई अखाड़ा भक्त निवास है, मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ यही वाला था, यहीं से मुझे लेके गए थे, मिल गया यार, चलो थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे ना ये वाला याद था, ये बोर्ड देख रहे हो, सदगुरु कृपा भोजनालय, बस ये मैंने बताया था भैया को यहाँ पे कैसा है खाने का। और सामने जो है देखो आपको ये वाला मैंने स्टेटस में डाला था इंस्टाग्राम की, और ये अपना रूम है श्री संत सुखाराम महाराज। तो उसके बेसिस पे भैया ने मुझे लोकेशन समझा दिया कहाँ पे जाना आपको, और फाइनली मैं अपने होटल आ चुका हूँ। अब यहाँ ब्लॉग को फाइनली एंड करते यार, और मिलते आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। फ़ोटो खींच लेता हूँ भैया, अब नहीं भूलना मुझे, वैसे लोकेशन भेज दिया मैंने खुद को, बट स्टिल।